तो गुड डे मित्रों, माय नेम इज खान, फलक खान। मैं हूँ कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट। इस वीडियो में अपन अलग अलग इनपुट डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो पार्ट टू है इनपुट डिवाइस के ऊपर, इंट्रोडक्शन ऑफ इनपुट डिवाइस। वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, फटाफट से जाओ और देखाओ। 5 मिनट की वीडियो है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी वीडियो है। उसमें मैंने इनपुट डिवाइस कैसा वर्क करते हैं वो बता रखा है। और इस वीडियो में अपन अलग अलग इनपुट डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए हुए चालू करते हैं इस वीडियो को। पहला इनपुट डिवाइस है पंच कार्ड्स। इसका आविष्कार जोसेफ मैरी जैकवार्ड ने किया था अराउंड 1801 अपनी वीविंग मशीन के लिए। बाद में हरमन ओलरिच, जो कि एक स्टैटिस्टिशियन थे, उन्होंने पंच कार्ड यूज करा था उनकी खुद की बनाई हुई टैब्यूलेटिंग मशीन सिस्टम में। अब अपन वर्किंग जान लेते थोड़ी पंच कार्ड्स की। पंच कार्ड में कुछ ऐसा होता था कि जो भी डेटा कंप्यूटर में डालना होता था उससे पहले पेपर पर पंच करते थे। पंच कार्ड के साथ एक मैकेनिकल रीडर होता है। वो क्या करता है, कार्ड में जहां पर भी होल्स होते हैं उन्हें डिटेक्ट करता है, उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में डाल देता है। तो यह था अपना इस वीडियो का पहला इनपुट डिवाइस। अब चलते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर आता है कीबोर्ड्स। 1950s में आते हैं अपने कीबोर्ड भाई साहब। इनका किसने आविष्कार किया था कीबोर्ड भाई साहब का? कीबोर्ड भाई साहब का आविष्कार किया था क्रिस्टोफर लैथम शोल्स ने। इनकी इमेज आपको स्क्रीन पर दिख रही है जैसे कि। अब कीबोर्ड दो प्रकार के होते हैं, एक का नाम होता है क्वर्टी कीबोर्ड, फिर आते हैं द्वारेक कीबोर्ड। द्वारेक कीबोर्ड को डॉक्टर ऑगस्ट द्वारेक ने बनाया था। ये दो प्रकार के होते हैं, राइट हैंडेड कीबोर्ड और लेफ्ट हैंडेड कीबोर्ड। थोड़े सालों बाद कीबोर्ड वाले सब स्टाइल मारने लग गए और अलग अलग स्टाइल में आने लगे, जैसे ट्रेडिशनल कीबोर्ड और इर्गोनॉमिक कीबोर्ड। ट्रेडिशनल कीबोर्ड सिंपल होता है, रेक्टेंगल शेप में विद कॉन्टिन्यूस स्लोप। जैसे मैं यूज कर रहा हूँ प्रोडोट का ट्रेडिशनल कीबोर्ड, सस्ता सुंदर टिकाऊ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं इसे। इर्गोनॉमिक कीबोर्ड में आपके हाथ नहीं दुखते टाइप करते वक्त, अपन इसमें आराम से हाथ जमा करके टाइप कर सकते हैं। इसे टाइपिंग कीबोर्ड भी कह लो एक तरीके से। तो ये था अपना कीबोर्ड के बारे में। अब चलते हैं अपन इस वीडियो के तीसरे इनपुट डिवाइस के ऊपर, वो है अपना माउस। अब माउस का आविष्कार डगलस इंगलबर्ट ने किया था स्टैनफोर्ड रिसर्च सेंटर 1963 में। ये बात लिख लेना, सरकारी एग्जाम में पूछ लेते हैं कई बार। माउस भी अब अलग अलग रूप में आते हैं मार्केट में, जैसे मैकेनिकल माउस, ऑप्टो मैकेनिकल माउस और ऑप्टिकल माउस। मैकेनिकल माउस जो कि आते थे अब नहीं आते, उसके नीचे रबर और मेटल बॉल रहती है। अब इसमें जैसे जैसे माउस को मूव करते हैं बॉल रोल करती है। इसके अंदर एक मैकेनिकल सेंसर लगा हुआ होता है, वो पता लगा लेता है कि बॉल कहाँ घूम रही है और उसके अकॉर्डिंग स्क्रीन पर कर्सर भी घूमता है। माउस सेम मैकेनिकल माउस की तरह ही होता है, बस उसके अंदर ऑप्टिकल सेंसर लगे हुए होते हैं जिससे वो पता लगाता है बॉल कहाँ घूम रही है। ऑप्टिकल माउस में बॉल की जगह लेजर लगी हुई होती है। आजकल तो आपने देखा ही होगा, ये माउस की डायरेक्शन डिटेक्ट करती है। अब मैं जो यूज करता हूँ वो डेल का ऑप्टिकल माउस है, एकदम रफ एंड टफ विद 3 ईयर वारंटी, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। और दिक्कत भी आए तो फटाक से चेंज करवा लो। आपको अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। एक जो भी ट्रेंड पर है वो है वायरलेस माउस आता है, वो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी से कनेक्ट होता है। ये बात रही कीबोर्ड और माउस की। इसके बाद हम बात कर लेते हैं लाइट पेन की, जो कि चौथा इनपुट डिवाइस है इस वीडियो का।
अब लाइट पैन के अंदर टाइनी फोटो सेल्स होते हैं। जब भी उस पैन को स्क्रीन के पास लाया जाता है, ये स्क्रीन की लाइट को सेंस कर लेता है। अब जो लाइट स्क्रीन की तरफ आ रही होगी, वो फोटो सेल्स के टकरा कर इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट करेगी। फिर जो ये इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट हुई है, वो जाती है अपने प्रोसेसर के पास, और फिर प्रोसेसर पता लगा लेता है कि कहाँ इस टाइम लाइट पैन पॉइंट कर रहा है स्क्रीन के ऊपर। तो ये था कुछ प्रोसेस लाइट पैन का, कैसे काम करता है लाइट पैन। वो ये था अपना लाइट पैन। अब बात कर लेते हैं अपन टच स्क्रीन के ऊपर, जो कि पांचवा इनपुट डिवाइस है इस वीडियो का। अब टच स्क्रीन के बारे में क्या बताऊँ यार, आप रोज ही तो यूज करते हो आप उसको, रील्स देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए, गेम खेलने के लिए आजकल। फिर भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ कैसे काम करता है ये टच स्क्रीन। अब इसमें होता क्या है कि स्क्रीन के पीछे लाइट बीम ग्रिड्स लगी हुई होती है। जैसे ही कोई टच करता है स्क्रीन को फिंगर से, तो जो लाइट रेज ग्रिड में जा रही होती है वो ब्लॉक हो जाती है। फिर अपना जो टच स्क्रीन मोबाइल या कंप्यूटर पता लगा लेता है कि कहाँ रेज ब्लॉक हुई है। उससे कंप्यूटर को पता लग जाता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट चूज करना है स्क्रीन के ऊपर। ज़्यादातर टच स्क्रीन चीज़ें एटीएम, एयरपोर्ट्स और ट्रेवल एजेंसीज में यूज़ होता है, और आजकल तो मोबाइल में यूज़ हो ही रहा है। अब टच स्क्रीन को यहीं ख़त्म करते हैं अपन, और अब आता है अपना छठा इनपुट डिवाइस, जो कि आपका और मेरा चहेता है, वो है जॉयस्टिक। अब इसके बारे में भी क्या बताऊँ आपको, जिससे गेमर्स गेम खेलते हैं और आप लोग भी, गेमिंग करेक्टर्स को फटाफट रन कराने के लिए मैं मदद करता है ये। अब चलते अपन सातवें इनपुट डिवाइस के ऊपर, वो है अपना MICR। MICR का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। MICR भाई साहब यूज मारता बैंक चेक के अक्षरों को पढ़ने के लिए। अब चेक को देखा होगा, उसके नीचे नंबर लिखे हुए होते हैं, वो मैग्नेटिक इंक से लिखे हुए होते हैं। उन अक्षरों को पढ़ने के लिए MICR भाई साहब का यूज होता है। आठवां इनपुट डिवाइस जो कि है स्कैनर्स। स्कैनर्स एक डिवाइस होता है जिससे आप प्रिंटेड इमेज को स्कैन करके कन्वर्ट कर सकते हैं डिजिटल फॉर्म में। स्कैनर्स भी अलग अलग प्रकार के आते हैं, जैसे हैंडहेल्ड स्कैनर, हाथ वाला स्कैनर, फ्लैट बेड स्कैनर, बहुत बड़ा स्कैनर जिससे पूरी की पूरी कॉपी या पूरी का पूरा जो इमेज होता है अपना, वो पूरा का पूरा स्कैन हो जाता फटाफट से। नौवा इनपुट डिवाइस है OCR। इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। ये यूज आता है पेपर में लिखे हुए टेक्स्ट को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। OCR में दो चीज होती है, एक तो होता है कैमरा लेंस जिससे फोटो कैप्चर किया जाता है, और दूसरी स्ट्रॉन्ग लाइट जिससे लाइट ये पता लगा लेती है कि कहाँ इंक से पेपर पर कुछ लिखा हुआ है और कहाँ नहीं। फिर ऑप्टिकल करेक्टर रीडर पेज पर जो भी लिखा हुआ होता है उसे कन्वर्ट कर देता है टेक्स्ट में। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं बताऊं तो आपको, गूगल की एप्लीकेशन है गूगल लेंस, वो OCR की तरह ही काम करती है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं गूगल लेंस, और चेक कीजिए OCR कैसे काम करता है प्रैक्टिकली वो भी। फिर बात कर लेते हैं अपन दसवें इनपुट डिवाइस की, वो है OMR। OMR का फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर एक ऐसी मशीन होती है जो कि OMR शीट चेक करने के लिए यूज में आती है। आपने कोई गवर्नमेंट एग्जाम दिया है, नहीं दिया तो एक बार देना। गवर्नमेंट एग्जाम में क्या होता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, वही अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, तो उसमें क्या होता है आपको एक ऑप्शन चूज करना होता है और OMR शीट को अपन को पेन से भरना होता है, जैसा कि आपको इस वीडियो में दिख रहा है। फिर OMR शीट OMR के अंदर जाकर स्कैन होती है, जहां आपने गोले भरे हुए होते हैं, पेन से उसे पता लगा लेती है और रिजल्ट बता देती है। तो ये था OMR के बारे में। ग्यारहवां इनपुट डिवाइस वो है स्मार्ट कार्ड रीडर। स्मार्ट कार्ड रीडर एक डिवाइस है जिसका यूज स्मार्ट कार्ड में जो इन्फॉर्मेशन सेव हुई है उसे पढ़ने के लिए किया जाता है।
वैसे तो स्मार्ट कार्ड रीडर अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन काम एक ही करते हैं। अब काम कैसे करता है ये, फॉर एग्जाम्पल स्मार्ट कार्ड को आपने कार्ड रीडर में डाला। स्मार्ट कार्ड में एक इनबिल्ट चिप होती है जहां पर सारा डेटा स्टोर रहता है। अब कार्ड रीडर चिप में जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसे रीड करेगा, फिर इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल यूजर के अकॉर्डिंग करता है। जैसे किसी को पैसे जमा कराना है, अपनी आइडेंटिटी बताना, डेटा को कलेक्ट करना। स्मार्ट कार्ड रीडर गवर्नमेंट एजेंसीज में, कोचिंग सेंटर में और बड़े बिजनेस में किया जाता है। 12वां इनपुट डिवाइस है इस वीडियो का जो कि बहुत काम आता है, वो है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर स्मार्ट कार्ड रीडर का ही भाई होता है जो शॉपिंग मॉल्स में बारकोड को स्कैन करने के लिए काम आता है। आपने देखा ही होगा बारकोड कुछ इस तरीके की लाइन होती है, उसमें प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन सेव होती है। अब बारकोड रीडर में एक लाइट सोर्स और एक सेंसर होता है। लाइट सोर्स को बारकोड पर डाला जाता है तो सेंसर बारकोड रीडर से निकली हुई लाइट को बारकोड पर रिफ्लेक्ट कर उसको पढ़ता है और उसकी जानकारी कंप्यूटर को दे देता है। बारकोड भाई रिटेल स्टोर, गोदाम, लाइब्रेरी और हॉस्पिटल में यूज़ आते हैं। बारकोड रीडर के बारे में आप और भी जानना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप प्रेजेंटेशन PDF डाउनलोड कर सकते हैं। 13वां इनपुट डिवाइस जो कि आप रोज यूज करते हैं लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं देते, वो है बायोमेट्रिक सेंसर। अब बायोमेट्रिक सेंसर का मैं एक एग्जांपल दूं तो आपको, जैसे आप आधार कार्ड बनाने जाते हैं तो वो बोलते हैं ना आप अपने हाथ इस मशीन पर रखिए, वो बायोमेट्रिक सेंसर ही होता है। अब बायोमेट्रिक सेंसर आजकल मोबाइल में भी यूज में आते हैं, जैसे कि आप यूज़ करते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर। फिंगरप्रिंट सेंसर को बायोमेट्रिक सेंसर कहते हैं। आप अपने मोबाइल पर एक जगह पर अपनी उंगली रखते हैं और मोबाइल खुल जाता है, लॉक और अनलॉक हो जाता है। फिंगरप्रिंट सेंसर के अलावा एक फेस सेंसर भी होता है जो अपनी चेहरे के हाव भाव से पता लगा लेता है कि वह ये वही आदमी है या औरत है या फिर कोई और है। ये पासवर्ड के लिए यूज में आता है, जैसे फ़ोन में आपको फेस पासवर्ड रखना हो, एप्पल और दूसरी मोबाइल कंपनीज इसको अपने मोबाइल में यूज करती हैं एज अ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। 14वां और लास्ट इनपुट डिवाइस आपको बता देता हूँ, फिर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। लास्ट इनपुट डिवाइस है इस वीडियो का है भैया, यूँ ना समझ जाना कि इसके अलावा और कोई इनपुट डिवाइस होते ही नहीं है। लास्ट इनपुट डिवाइस है इस वीडियो का, वो है वेब कैमरा। वेब कैमरा एक छोटा डिजिटल कैमरा होता है जो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है। अब कुछ वेब कैमरे बाहर लगे हुए होते हैं और कुछ लैपटॉप के अंदर ही आते हैं, चिन्ह से दिखते भी नहीं है। यह आपको दोस्तों से वीडियो कॉल करने और ऑनलाइन वीडियो बनाने, तो खींच मेरी फोटो लेने के लिए काम आता है। यह था लास्ट इनपुट डिवाइस इस वीडियो का। आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए, नहीं समझ में आ रही हो तो कमेंट कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है जहाँ से आप व्हाट इज इनपुट डिवाइस प्रेजेंटेशन PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले दो और वीडियो बना रखी है मैंने, व्हाट इज कंप्यूटर और व्हाट इज CPU, उन वीडियो को भी देख लेना। ओके, टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।